दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। अच्छा इसको एक शेर, एक मिसरा ही पढ़ता हूँ, एक मिसरा हो गया, दूसरा मिसरा पढ़ूंगा तो एक शेर हो जाएगा। तो मैं शेर पेश करने नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ एक मिसरा पढ़ दे। अच्छा अब हजरत कह रहे हैं तो पढ़ देता हूँ। के दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। हम को मदीना या नबी, हम को मदीना कब बुलाया जाएगा, या नबी हम को मदीना। आए हाय, मेरे साथ पढ़ ले, मेरे साथ पढ़ ले, मेरे साथ पढ़ ले, हो सकता है कि हाजिरी लग जाए। पढ़ ले मेरे साथ, मेरी हाजिरी लगने वाली है, दुआ कीजिए कि वो जल्द लग जाए और इसी रमजान शरीफ में लग जाए। मेरे साथ पढ़ ले, या नबी हम को मदीना कब बुलाया, कब बुलाया जाएगा। हा 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 हा, या नबी हम को मदीना कब बुलाया जाएगा। भाई शेर आ रहा है, कसम खुदा कि आपके चेहरे में नूर देखकर दिल बाग बाग हो गया, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कौन कहता है कि दाढ़ी वाले लोग अच्छे नहीं लगते? मेरे पास दाढ़ी है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ मैं। ये देखिए इनकी दाढ़ी, देखिए अच्छे नहीं लग रहे हैं, गलत चीज है। हमारे इतने खूबसूरत लगते हैं, ये सरकार की सुन्नत है। बगैर दाढ़ी रखे कब्र में चले जाओगे सरकार आएंगे कब्र में, अकीदा है ना? सरकार को मुंह दिखाओगे? क्या मुंह दिखाओगे? यहाँ झूम रहे हो, या नबी मदीना कब बुलाया जाएगा, ना नबी के आशिक हैं, नारे तकबीर नारे रिसालत, हम सरकार के आशिक हैं, यही आशिक है, दाढ़ी नहीं है, गलत बात। हाँ जाने से पहले रख लेंगे ना, लेकिन आपको पता है कब जाएंगे? कहीं अचानक टिकट कट गया तो क्या होगा? इसे मजाक बना ले, कसम खुदा की चार दिन की जिंदगी है, चार दिन की जिंदगी है। ये स्मार्टनेस होता है सिर्फ 10 साल के लिए होता है, 10 साल से खूबसूरती होती है जाहिरी जिंदगी में, फिर ये चेहरा खत्म हो जाता है। याद रखे यार, सरकार की सुन्नत चेहरे पे सजा लीजिए, यहाँ भी चमकेंगे इंशाल्लाह, मरने के बाद भी चमकेंगे। याद रखे यार, हो सकता है कि इसी सुन्नत की वजह से अल्लाह हमें बख्श दे, है ना? उसके बाद जब चेहरे पे सुन्नत सजाएंगे ना, तब और मजा आएगा पढ़ने में। क्या या नबी हम को मदीना कब बुलाया जाएगा, या नबी हम को मदीना जाएगा। सुने सुने के एक सजदे में शहादत क्यों हुई शब्बीर की। आए हाय कह दे या हुसैन और मोहब्बत या हुसैन। एक सजदे
सजदे में शहादत क्यों हुई शब्बीर की। अरे दूसरा सजदा कयामत मैंने भाया जाए, या हुसैन या हुसैन, दूसरा सजदा कयामत मैंने भाया जाएगा। अब एक शेर नौजवानों के हवाले से, नौजवान तैयार हैं? तैयार हैं? अब वो शेर पढ़ने के बाद देखता हूँ कितने नौजवानों के चेहरे पे वो जो खिलता हुआ चेहरा जो होता है कितने लोगों को आता है। सुनाऊं शेर? कह दे सुभान या नबी हम को मदीना कब बुलाया जाएगा। अरे ढाल बन कर, भाई सुना शेर, अरे ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश। तैयार है ना? तैयार है ना? तैयार है ना? ढाल बन कर, ढाल बन कर, ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश। अरे ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश। बाप के एहसान को कैसे भुलाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदे, अजमत वालिदे, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। बाप की अहमियत वही समझता है जिसके पास बाप नहीं होता। इनसे पूछो, याद रखिए आप, जब तक बाप रहता है ना कांटे की तरह चुभता है। माँ और बाप लगता है कांटा बन चुका है, ये बुढ़िया बुढ़वा कब मरेगा, सुकून मिलेगा। कसम खुदा के मैंने देखा है ऐसा, मरने का इंतजार करता है, डॉक्टर क्या लेके नहीं जाएगा, अब तो मर ही जाएगा, क्या करोगे जिंदगी में। माँ बाप को राजी तकलीफ देकर तुम सोच रहे हो हम चले जाएंगे जन्नत में? कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं। काबा पकड़ के मर जाओ, काबा पकड़ के, तुम्हारी माँ अगर तुमसे नाराज है ना अल्लाह कभी खुश नहीं होगा। याद रखें आप, माँ बाप बहुत बड़ी चीज है, बहुत 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 बड़ी बारगाह है माँ बाप। याद रखें कसम खुदा की, बहुत क्या बताऊं, हमारे उलमा से आप बयान सुनेंगे जितना भी सुनेंगे कम पड़ेगा, बहुत बड़ी चीज। हुजूर ने फरमाया मैं नमाज में होता मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज तोड़ के चला जाता हूँ। कितनी बड़ी चीज है, याद रखें। माँ बाप बहुत अनमोल दौलत है। ये शेर दोबारा पढ़ता हूँ, तैयार है आप लोग? तैयार है? तैयार है? और नौजवानों वादा करो, सिर्फ जलसा सुनना नहीं है, यहाँ से कुछ काम भी होना चाहिए। किनके 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 वालिद साहब अभी तक जिंदा हैं? जिंदा
जिनके वालिदैन वालिद और जिनके वालिदैन जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह सरकार गौसे पाक के सदके उनकी मगफिरत फरमाए। और जो बाहयात है अल्लाह ताला उम्र खिज्र अता फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत व आफियत के साथ रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। कितने लोग यहाँ पे जिन्होंने हाथ उठाया, रात को सोने से पहले अपने माँ और अपने बाप के पाँव को दबा के सोता है, हाथ उठाइए। अच्छा आप हैं, एक आदमी, अल्लाह ये आप नबी से मोहब्बत करते हैं, झूठा दावा करते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग, बहुत बड़ी बात है। यहाँ से आप ये सोच के उठना है और यहाँ से वादा करके उठिए। क्या हजरत अज़्म मुसम्मम करके यहाँ से उठिए आप कि अब कल से इंशाअल्लाह ताला जब सोने जाओगे तो अपने वालिद के भी पाँव को दबाना, अपनी माँ के पाँव को भी दबाना। कसम खुदा की दबा के देखना कितना सुकून मिलता है। सोने से पहले ज्यादा 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट अगर अब्बा हैं घर पे तो ठीक, नहीं तो अम्मा अगर है तो थोड़ा तेल मालिश ले लिए, तेल ले लिए पांव में मालिश कर लिए, 5 मिनट। कसम खुदा के देखना माँ का चेहरा और माँ कितनी खुश होगी, उसके बाद तुम जाना अपने सोने के लिए, देखना कितना सुकून मिलेगा। हम लोग सिर्फ शेर में सुनते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप का जन्नत का दरवाजा है, इधर से इधर से निकाल दिए, उसके कभी प्रैक्टिकली नहीं किया, सोचे नहीं कि क्या बोल रहा है। मौला यार अहमद साहब क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, कभी नहीं हम लोग सोचते ये सब बात। हम नदीम फैजी को नाक पढ़ने बुलाए थे, तकरीर कर रहा है, तकरीर एक दिल में बात थी, मैंने कह दिया इंशाल्लाह हो सकता है कि मेरी बात किसी को दिल पे लग जाए और ये कल से अगर शुरू कर दे तो नहीं किया मुझे भी तो मिलेगी, है ना। तो याद रखना इसको, हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी मौका मिले इस मौका को छोड़ना नहीं, फट से पांव दबाना। और जब घर से कहीं निकलना ना, कम से कम माँ के हाथ को चूम के निकलना, कामयाब हो गए लोगों। नदीम फैजी को देख रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से निकलता हूँ तो पहले अम्मी को ढूंढता हूँ किधर है, फिर सलाम करता हूँ, फिर हाथ को चूमता हूँ, मेरी माँ मेरे सर पे हाथ रखती है, अब्बू घर पे होते हैं तो अब्बू भी सर पे हाथ रखते हैं और दुआ देते हैं, चूमता हूँ। याद रखें आप, ये बहुत बड़ी बात है, ये मैंने ये तो कहने की बात नहीं थी, मगर चूंकि यहाँ एक भी आदमी का हाथ नहीं उठा इसलिए मेरी मजबूरी में कहना पड़ा। ये बात याद रखें आप, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बारगाह है। लोग पीर साहब के लिए मरते हैं, हजरत आ गए, हजरत आ गए, आलिम साहब के लिए मरते हैं, पीर साहब के लिए जान दे देंगे, मगर अपनी माँ बाप की तरफ कभी मुड़ के देखते नहीं। ठंडी आ गई ना, ठंडी आ गई ना, बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत सारी चीजें लाए होंगे, मगर अम्मी अब्बू का ख्याल नहीं आया होगा, उनको भी ठंड लगती होगी, उनके लिए भी कुछ ले लें। ये दर्द है दिल में, याद रखे, याद रखे। अरे ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश, ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश, उस बाप के एहसान को कैसे भुलाया जाएगा। मेरे साथ सब मिलकर पढ़िए, बाप के एहसान को कैसे, 100 रुपए कैसे भुलाया जाएगा। माइक बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से माइक वाले को इनाम। इसको रखना, खर्चा नहीं करना, फ्रेम में बनवा के
बोलो नदीम फैज ने दिया था। बहुत अच्छा कलाकारी अच्छी तुम्हारी, बहुत अच्छा भाई। बाप के एहसान को कैसे भुलाया जाएगा। अशार बहुत है मगर एक शेर सुनाता हूँ और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शेर तक पहुंचेगा। हजरत कैसे भुलाया जाएगा। अरे बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद उस बड़े भाई को पलकों पर बिठाया जाएगा। उस बड़े भाई को पलकों पर बिठाया जाएगा। मेरे साथ आप ही पढ़ लें या नबी हमको मदीना कब बुलायागा, कब बुलाया जाएगा। या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा। या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा। या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा। मोहब्बत से बैठे फिर मौका मिलेगा तो वो सारा कलाम बहुत पहले मैंने पढ़ा था। कि मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज तू बचाना। सुनेंगे माशाल्लाह। वो कह रहे अभी सुनाओ, अभी नहीं अभी नहीं, इंशाल्लाह सुनाया जाएगा, मौका मिलेगा तो भी सुनाया जाएगा। बहुत देर से नाचखानी हो रही है, तकरीर भी जरूरी है, है ना। तकरीर मोहब्बत से बैठ के सुनिए वो कलाम जो बहुत पसंद करते हैं हमारे नौजवान। अली नु याद करो रल के फरियाद करो गरीबादा ऐ हो आसरा। अली मौला अली दम दम अली मौला अली दम दम अली मौला अली दम दम अली मौला। पढ़ने रहा बता रहा हूँ पढ़ूंगा। हाँ इंशाल्लाह पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अब मेरा फेवरेट कलाम क्या क्या कहने लगा है सितारों का लश्कर अल्लाह हो अकबर अल्लाह हो अकबर अल्लाह हो अकबर अल्लाह हो अकबर नाराए तकबीर। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो पढ़ा जाएगा। आइए मौसम